सो के उठ गई हूँ मैं। ये देखो टाइम 11:36 हो रहा है, 11:30 हो रहे हैं। सर्दी में थोड़ा सा लेट से तो सोते ही है ना, सर्दी में सोने का मज़ा भी कुछ और है। कभी कभी ये भी चीज़ें करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते रहते हैं हमेशा पढ़ने के लिए, तो कभी ये भी करना चाहिए। तो चलो अब जब उठ गए हैं तो अपना जो भी मॉर्निंग का रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज मैं ब्रश करूँगी, एंड देन नहाना है तो उसके लिए पानी गर्म करने के लिए लगा दे रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ब्रश करने के बाद बारी आती है मेरी नहाने की, तो मैंने मोटर चलाना स्टार्ट किया तो मोटर ही नहीं चल रहा था। कई बार कभी कभी क्या होता है ना कि मोटर नहीं चलता है, तो एक बार बंद करो फिर दोबारा से स्टार्ट करो, फिर बंद करो फिर स्टार्ट करो, तो चलने लग जाता है। आज मोटर चल ही नहीं रहा था क्योंकि मोटर चलाने में थोड़ा सा गर्म पानी आता है, बट फिर भी मैंने नहा ही लिया गर्म पानी करके। मेरे पेज की सर्दी लग रही है। मैंने शैम्पू भी किया है, बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी मुझे, वोमिटिंग सा भी फील हो रहा था। और बहुत सारे कपड़े ऐसे गीले पड़े थे, एक दो दिन पहले मैंने धुला था, तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी, अब जब मैंने ब्लोअर ऑन किया है तो इन्हें भी सुखा देती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दी में ये भी तो दिक्कत होता है, कपड़े अगर तुम धुल भी दो तो फिर सूख नहीं पाते हैं, और फिर नहा के आने पर थोड़ी भूख लगती है। तो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी, कुछ नहीं मुझे दिखा, तो एक मैंने सोचा चलो डार्क चॉकलेट ही खाते हैं। इसको खाने से तो और वोमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसी को खा लेती हूँ। एंड देन फिर बाल सुखाने का वो ट्राई किया मैंने, तो शैम्पू करने की वजह से बहुत तेज़ की सर्दी लग गई, वोमिटिंग जैसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। एक तो मैं काफ़ी टाइम के बाद नहाती भी हूँ, गर्म पानी से नहाओ या कुछ भी करो बट बहुत टाइम के बाद नहाओ तो सर्दी तो लग ही जाती है, और सर्दी है भी तो कितनी ज़्यादा। बट कितने दिन तक मैं नहीं शैम्पू करती, शैम्पू तो करना ही था ना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ख़राब फील होने लगता है। तो ठीक है मैंने थोड़ा सा उसके लिए सॉक्स वॉक्स पहन लिया अच्छे से, और कपड़े पहन लूँगी, पहले बाल सुखा लूँगी एंड देन उसके बाद एक और स्वेटर पहन लूँगी उसके ऊपर से। उसके बाद सोच रही थी कि कैसे, क्योंकि कमर में भी दर्द होने लग गया था, सर्दी जब लगती है तो नहीं होता है कमर में दर्द होने लग जाता है, तो सोच रही थी क्या करूं। तो थोड़े टाइम तक तो मैं लेट करके रजाई में घुस करके पढ़ूंगी थोड़ा सा, जब बॉडी वार्म हो जाएगा एंड देन उसके बाद बैठ करके पढ़ने का ट्राई करूंगी। एंड ये भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा वो जो हनी होता है ना ये भी काफ़ी गर्म करता है, जब मैं एक बार गर्मी के टाइम पे पी ली थी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा मेरा मन होने लग गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको पीती हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा, और उसमें मैंने लेमन भी डाल लिया कि थोड़ा वेट लॉस में भी हेल्प कर देगा। तो सारी चीज़ें हो गई, नींबू पानी भी अपना बना लिया और लेकर के मैं बैठ गई। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्या करूं, तो सबसे पहले तो अपना वही आता है टू डू बनाना, जब तक नींबू पानी पीते रहूंगी तब तक मैं कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी कि आज से पूरे दिन क्या क्या करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह को लेकर के इसको भी टाइम देना पड़ता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो भी मेरे दिमाग में चल रही हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो पहले तो उनको ये लाना पड़ेगा ना कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, कैसे कैसे करना है, उसको प्लान करना पड़ेगा। तो वही सबसे पहले मैंने प्लान करना स्टार्ट किया, उसको लिखना स्टार्ट किया। आज का ब्लॉग तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करूँगी, चाहे मेरी स्टोरी हो, अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, या फिर और भी जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि शायद ये मुझे बताना चाहिए, मुझे शेयर करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, उससे भी रिलेटेड बात करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो क्योंकि सर्दी लग रही थी तो मैंने तो पहले से मैं सोच रही थी कि रजाई में बैठ करके घुस करके पढ़ूंगी, और सब बॉडी को पहले वार्म करूँगी एंड देन उसके बाद बैठ करके, तबीयत थोड़ी सी सही लगी तब बैठ करके पढ़ने स्टार्ट करूँगी। तो
आईपैड से ही मतलब लेट करके कैसे पढ़ सकते हैं, आईपैड या फोन यही तो हेल्प करता है लेट करके पढ़ने में, तो आईपैड में मैंने पढ़ना क्योंकि लग रही स्टार्ट। है बहुत ज्यादा तेज की सर्दी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रजाई में लेट करके पढ़ लेती हूँ। तो ये देखो रजाई में लेट गई हूं मैं। सबसे पहले खाऊंगी मैं क्या, समोसा, गरम गरम समोसा। इतना टेस्टी खाने पूरे दिल्ली में इतनी जगह पर समोसा खाया मैंने। गांधी विहार में ना एक ही जगह मुझे ऐसा मिला, गांधी विहार पूरे दिल्ली में मुझे एक जैसा ऐसा मिला ना समोसा, जहाँ का टेस्ट मुझे अपने जैसा लगता है, अपने साइड का मतलब बिहार और यूपी वाला। बाकी तो लोग पता नहीं क्या कर देते हैं दिल्ली वाले, क्या चीज़ मिला देते हैं। चटनी भी निकाल लेती हूँ। तो आईपैड से तो मेरी पढ़ाई हुई थी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, एक लेक्चर देख पाई थी और उसके बाद तुरंत से भूख लग गया था, बाहर चली गई थी। ये वीडियो में बहुत सारा चीज़ मैंने कट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही थी, तो होता है ना कि इतना अब रिटेंशन काफ़ी कम दिखाता है लोगों का कि लोग इतने टाइम तक देख रहे हैं फिर वीडियो आगे तक नहीं जा पाएगा। इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे कट करनी पड़ी, नहीं तो वीडियो तो काफ़ी लंबी बनी थी। आज मैं स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत दोनों ही करूँगी और बहुत ज़्यादा ज़्यादा करूँगी, कई कई घंटे आज मैं बैठी हूँ दोनों को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कंप्लीट नहीं कर लिया, ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम भी कंप्लीट कर लिया लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट नहीं की हूँ, लेकिन हाँ जो मैंने टारगेट किया था टारगेट अपना कंप्लीट कर पाई हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैं कहाँ तक कंप्लीट कर पाई हूँ। तो स्पेक्ट्रम में बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ती हूँ, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वही बात है सारा कुछ मुझे याद ही नहीं रह पाता, इतनी मुझे ये बुक बहुत बल्की लगती है। बहुत सारा चीज़ पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रह पाता, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मैं इसमें कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक नहीं सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ती हूँ, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट ही किया 4 चैप्टर से, क्योंकि इसके पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो मैंने किसी अदर सोर्सेज से कंप्लीट किया है और वो भी सोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छे समझ में आता है मैं वहाँ से कर लेती हूँ। अगर हाँ ये चीज़ें मुझे कहीं और अच्छे से नहीं मैं कर पा रही हूँ तो मैं किसी और बुक से कर लूँगी, तो ये मेरा रहता है, तो एक ही सोर्स से सारा कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो मैंने इसके 4 चैप्टर आज कंप्लीट किए हैं एंड लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं। लक्ष्मीकांत का मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं पाई, वीडियो इतनी लंबी हो गई थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या कट करूं और क्या दिखाऊं। किसी ने मेरे से जब मैं लाइव आई थी तो मेरे से पूछा था कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बुक बताइए, तो मेरे पास जो बुक है वो येलो एंड ब्लैक कलर की है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया करके नाम है एंड उसके ऑथर हैं अशोक कुमार एंड बिपुल, उस टाइम पे मुझे नाम नहीं याद आ रहा था बट मैंने बोला था कि मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर बता दूंगी, सो दैट्स वाई।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं ब्लॉग के थ्रू बताते रहूँगी जो भी क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आपको ब्लॉग देखना पूरा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ये जो मैंने जब पहले स्लॉट में बैठी हूँ ना, तो उसमें मैंने कंप्लीट किया है, तो क्या क्या चीज़ें मैंने कंप्लीट किया वो दिखा देती हूँ। ये मेरे पास ना दो स्पेक्ट्रम की बुक है, एक में मैंने बहुत कुछ भर दिया है हाईलाइट करके, ये इधर उधर की चीज़ें लिख लाख करके, और ये नई वाली बुक है तो इसको मैं उतना गंदा नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरा पहला वाला स्लॉट 2 घंटे का था, एंड मैं दोबारा से फिर से 2 घंटे बैठूंगी। मैं कभी कभी एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ सिर्फ और सिर्फ वही एक चीज़ पढ़ूँ। हाँ, उस दिन मैं करेंट अफेयर्स भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं, करेंट अफेयर्स तो डेली पढ़ना होता है, और करेंट अफेयर मैं कवर करती हूँ ओनली IAS की वीडियोज़ के थ्रू। उसका एडिटोरियल भी सुनती हूँ, और उसका जो प्रीलिम्स बूस्टर होता है वो भी मैं देखती हूँ। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आप करेंट अफेयर्स कहाँ से कवर करते हो, और विजन का जो बुकलेट आता है उससे मैं पढ़ती हूँ। तो चलो अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं मेंटल हेल्थ, जैसे मेरा खुद का हो गया, या कुछ चीज़ें जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ, चलो उस पर बात कर लेते हैं कि आज मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो मैं जब लाइव आई थी तो मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ें, थोड़ा सा इमोशनल है, ये चीज़ें पूछ सकता हूँ क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। तो इस चीज़ को लेकर के, और उन्होंने कुछ जो क्वेश्चंस पूछे उस पे मुझे लगा कि मुझे अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। उन्होंने बोला कि मैम आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आपके रिश्तेदार बोलते हैं तुमसे तो ये नहीं होगा, तुमसे तो वो नहीं हो पाएगा? मैंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। तो उन्होंने बोला कि फिर आप कैसे मैनेज करते हो? तो उसी चीज़ को लेकर के मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये चीज़ें भी दिखाती हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अक्सर कोई भी, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब है, कुछ भी है, इवन रियल लाइफ में भी जो लोग हमसे मिलते हैं, तो हर कोई अपना ब्राइट साइड दिखाता है कि हाँ हमने लाइफ में ये अचीव किया है, हम यहाँ पे सक्सेस हुए हैं, हमने ये चीज़ें की हैं, हमने इतना एक्सप्लोर किया है, हमने ये बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ लोग अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, कोई अपना डार्क साइड नहीं दिखाना चाहता कि लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे लोग फेल भी तो हुए रहते हैं ना, और कहीं ना कहीं अभी भी किसी न किसी चीज़ में फेल तो होते ही रह रहे हैं, बट हम कभी ये चीज़ें नहीं दिखाते, कोई भी, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम नहीं दिखाते, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं शायद कोई हमें समझेगा नहीं, कोई हमारी चीज़ों को वो लेगा, कहीं ना कहीं हम वीक पड़ जाएंगे अपनी चीज़ें दिखा करके, तो इस वजह से। लेकिन हर किसी को यही लगता है कि क्योंकि लोग अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, ये इमोशनल चीज़ें नहीं शेयर करते, तो लोग लगता है कि सिर्फ हम ही वीक हैं, सामने वाला तो बहुत स्ट्रांग है, उसने तो अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर ली है। तो बस इसी वजह से मैं भी दिखा रही हूँ कि मुझे भी देख करके लगता होगा कि मैं अपनी लाइफ में कितनी खुश हूँ, सब कुछ मेरी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, मेरे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब इस पे बात करते हैं कि मेरे साथ जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो मैं क्या करती हूँ। तो बस मुझे, मैं खुश भी होती हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं खुश दिख रही हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश भी बहुत हूँ। तो जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं अच्छा फील करती हूँ, उस मोमेंट में होती हूँ कि हाँ मुझे अगर किसी बात की खुशी हुई है, कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ, तो मैं उस चीज़ को इन्जॉय करती हूँ। कभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हाँ उस चीज़ पर भी मेरा कोई ये नहीं रहता यार ये गलत कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, अगर अच्छा हो रहा है तो गलत भी होगा, बुरा भी होगा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा लगता है तो फिर मैं रो लेती हूँ, बहुत तेज़ तेज़ से रोना स्टार्ट करती हूँ, मतलब होता है ना जो भी मेरे दिल में चीज़ें हैं मैं रो करके निकाल देती हूँ, और फिर मुझे अच्छा फील होने लग जाता है, मैं फिर से एक नया स्टार्ट करती हूँ। तो ये होता है। अब आप सोचोगे कि लाइफ फेयर हो जाए, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही हो, या जो आपने सोचा है वही हो, तो ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं तो अपने आप को बहुत अनलक्की फील करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही हैं, और बहुत सारे लोग जैसे यूट्यूब पे भी ऐसे कमेंट आते हैं कि आप तो शो ऑफ कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो कुछ भी शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था कि फाइनेंशियली इश्यूज थे मुझे, बट मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इशू मुझे हैं,
इतनी सारी जो दिक्कतें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं, हर कोई लड़ रहा है अपनी चीज़ों से, अपना अपना तरीका है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि यार हमेशा एकदम से खुश रहो, हमेशा एकदम से अच्छा सोचो, कुछ नहीं होता अच्छा सोचने से। अगर लाइफ में बुरा हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, परेशान भी होना ज़रूरी है। हमेशा खुश रहने से भी कुछ नहीं होता। कभी कभी अगर मैं परेशान होती हूँ, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ यार कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो उन चीज़ों को ठीक करने का भी वो मिलता है। अगर मैं हमेशा खुश ही रहूँ, मैं गलत भी कर रही हूँ उन चीज़ों में खुश ही रहूँ कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उस चीज़ पे सोचना तो पड़ेगा, परेशान तो होना पड़ेगा, उसको खुद ठीक करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर ऐसे निगेटिव इमोशंस आते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे यार मुझे इतना ख़राब क्यों फील हो रहा है, मुझे ये फील नहीं होना चाहिए, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको देखो क्या हो रहा है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बुरा लग रहा है, रो लो, परेशान हो लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बुरा सिर्फ हमें नहीं लगता है, बुरा सबको लगता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है ना जिसको बुरा नहीं लगता होगा, जो कभी रोना नहीं आता होगा, जो कभी वीक नहीं फील करता होगा, हर कोई फील करता है। मुझे कभी कभी लगता है यार मेरे इतने दोस्त हैं, लेकिन कभी मैं चीज़ें शेयर करना चाहूँ तो कोई नहीं है मेरे आसपास। तो ये अकेलापन सबकी लाइफ